संदीप जी एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि 2019 के इलेक्शन नज़दीक हैं और आपकी नज़र में कौन डिजर्विंग करता है देश के प्रधानमंत्री के लिए? देखो ये तो सब ने बता दिया आपको, कांग्रेस भी खूब कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं, एक माहौल बना हुआ है आज दलित प्रधानमंत्री के लिए। युवा हमारा जो है ना बहुत जागरूक है ना, युवा चाहता कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। अब भाई मैं तो देखो वही कहूँगा, घूम फिर के बात आ जाती है बहन जी पे। अब बहन जी फैसला क्या लेती है, ये फैसला ऐतिहासिक होगा, बहन जी महागठबंधन में जाती हैं या अकेले चुनाव लड़ती हैं या क्या करती है। बीजेपी की हार और जीत जो ना बहन जी के फैसले पे तय होती है, अब वो देखो क्या फैसला लेंगे। नहीं, आपकी नज़र में कौन डिजर्व करता है, बहुजन समाज का या कोई बीजेपी या कांग्रेस, कौन सी ऐसी पार्टी जो डिजर्विंग करती है अपने कामों से, अपने नेचर से, हर एक चीज़ से? देखिए इस देश के संविधान विचारधारा किसके पास है, बाबा साहब की, इक्वलिटी की, समानता की, वो सिर्फ जो है ना बहन जी के पास है। और साहब काशीराम ने तैयार किया बहन जी को, जिनकी उस पर कोई आप संदेह नहीं कर सकते, साहब काशीराम जैसे व्यक्ति इस दुनिया में दोबारा पैदा नहीं होने, ठीक है। आप बहन जी हमारे पास उनकी प्रतिनिधि हैं, बहन जी ही डिजर्व करती हैं इस देश का प्रधानमंत्री बनना। बहन जी ही पूरे देश में किसे पूछ लो सबसे अच्छा शासनकाल किसका होता है, कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी को चलाना आता तो मायावती है। तो जब मायावती को एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आता है, इतना खुशहाल लखनऊ, इतना खुशहाल उत्तर प्रदेश बना, तो ये देश अगर कोई खुशहाल बना सकता तो बहन जी बना सकते हैं, और किसी की औकात नहीं बनाने। आप थे संदीप कुमार बालमे जी की, जो बहुजन समाज के बहुत लोकप्रिय नेता हैं और पूरे देश की नज़र संदीप जी के ऊपर रहती है। एसएमयू से बात करने के लिए संदीप साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय भीम, जय भारत।